Hello everyone, welcome to our channel. My name is Sonia and we are doing book example number 1 of chapter 10 Heron's formula. Let's start. Find the area of a triangle two sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm. So we have given this diagram. Each triangle ki two sides given hai. One is 11 cm, another is 8 cm. And perimeter given it's a 32 cm. So we need to find the area of triangle. So according to Heron's formula, area of triangle kya hota hai? It's a S, S minus A, S minus B, S minus C ka square. इसके लिए अपने को s चाहिए तो s इज द सेमी पैरामीटर तो s कैसे पता चलेगा पैरामीटर बाय 2 क्योंकि पैरामीटर हमें ऑलरेडी गिवन है पैरामीटर इज 32 बाय 2 वी गॉट 16 16 है s की वैल्यू देन 16 माइनस एक साइड गिवन है 8 ओके आगे अपने पास थर्ड साइड भी नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे s का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c बाय 2 सेमी पेरिमीटर तो s की वैल्यू है 16 देन a इज 11 अनदर साइड इज b 8 एंड c की वैल्यू थर्ड साइड हम यहां से पता कर लेंगे सो इट बिकम्स 11 प्लस 8 इज 19 प्लस c सो c की वैल्यू आ गई है 32 माइनस 19 इट्स अ 13 राइट सो c की वैल्यू वी गॉट 13 सो 16 माइनस 8 Then 16 minus 11, 16 minus 13 ka square root. Now 16 minus 8 is 8, 16 minus 1, 11 is 5 and it is 3. Right, abhi isko hume solve karna hai. Again factors use karenge banake. 16 ko we can write 2 into 8, 8 is already 8, then 5 into 3. So, yahan se 8 का पेयर है उसको बाहर निकाल लेंगे राइट यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू 5 इंटू 3 फर्दर इनका कोई पेयर नहीं बन सकता ठीक है तो इट विल बिकम इट्स अ 10 एंड 30 सो आंसर इज 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1 नेक्स्ट टाइम वी विल डू द एग्जांपल नंबर 2 तब तक के लिए कीप वॉचिंग थैंक यू एंड बाय बाय